अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। पहली जमात के बच्चों, आज हम ज़ा आइन ये वाले हर्फ पढ़ेंगे बच्चों। उससे पहले हम क्लास वर्क और डेट 18 डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको मेरे साथ पढ़ना है बच्चों, मैं जो पढ़ रही हूँ, ठीक है। ज़ौद से ज़ईफ, ज़ौद से ज़ियाफ़त, ज़ियाफ़त मेहमान नवाजी को बोलते बच्चों, ठीक है। कोई आए हमारे घर में तो हम उनको बिठा कर खिलाते पिलाते ना, इसको ज़ियाफ़त बोलते, ठीक है। ज़ौद से ज़खीम, ज़खीम मोटी चीज़ को बोलते। जैसे कि ये किताब, यहाँ पर एक मिसाल के तौर पर यहाँ पर किताब को बताया गया है। इस किताब को आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ये बहुत मोटी किताब है, ठीक है। तो जो भी चीज़ मोटी होगी उसको ज़खीम बोलेंगे, ठीक है। ज़ौद से ज़ईफ, ज़ौद से ज़ियाफ़त, ज़ौद से ज़खीम, ज़ौद से ज़ईफ, ज़ौद से ज़ियाफ़त, ज़ौद से ज़खीम, फिर पढ़ेंगे। अब इसकी क्या करेंगे बच्चों, प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ से जैसे स्वाद को हम सीखे, ज़ौद भी वैसे ही होगा। बस फ़र्क इतना होगा कि ज़ौद के ऊपर एक नुक्ता आएगा और स्वाद बिल्कुल नुक्ता नहीं आएगा उसके ऊपर, नुक्ते से खाली होगा वो, ठीक है। ज़ौद तो आपको पूरा करना है बच्चों। ये आगे पढ़ते हैं, तो से तोता, तो से तलबा, तबला, तो से तबला, तो से तैयारा, तैयारा जहाज़ को बोलते जो हवा में उड़ता है, ठीक है। तो से तोता, तो से तबला, तो से तैयारा, फिर एक बार पढ़ेंगे बच्चों। तो से तोता, तो से तबला, तो से तैयारा। अब इसको लिखने का तरीका देखिए बच्चों, इसकी तरफ गौर कीजिए। यहाँ से स्टार्ट होगा ये और इस तरीके से वहाँ पर रुक कर इस तरीके से ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस हम यहाँ पर करेंगे बच्चों, ठीक है। आपको पूरा करना है बच्चों। ट्रेस मश्क ऐसे करना है कि इस नुक्तों से थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्लास वर्क हो गया। आपके होमवर्क की जानिब बढ़ते हैं। आपका होमवर्क सफ़ा नंबर 16 पर पूरा सफ़ा होगा बच्चों, ये ठीक है। होमवर्क यहाँ पे भी डेट डालेंगे हम। अब पढ़ेंगे, तो हो गया, ये है ज़ौ। तो के ऊपर नुक्ता नहीं होगा बच्चों, ज़ौ के ऊपर एक नुक्ता होगा, ठीक है। तो ज़ौ से शुरू होने वाले अल्फाज पढ़ेंगे हम। ज़ौ से ज़रूफ बच्चों बर्तनों को बोलते हैं, ठीक है। ज़ौ से ज़रूफ, ज़ौ से तोशादान, ये ज़रूफ बर्तनों का, या फिर टिफ़िन हो या फिर घर के जो बर्तन होते हैं वो सारे बर्तनों को असल में ज़रूफ ही बोलते हैं। यहाँ पर तोशादान को अलग से इसलिए बोला गया है कि वो भी ज़रूफ में शामिल है। ज़ौ से बर्तन, इन तमाम किस्मों के बर्तनों को हम ज़रूफ ही बोलेंगे, ठीक है। अब ज़ौ को भी तो की तरह ही लिखेंगे, मश्क करेंगे। फ़र्क नुक्ते क्या होगा सिर्फ, बाकी पूरा तो की तरह ही लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आयन की जानिब। आयन से शुरू होने वाले अल्फाज पढ़ेंगे हम। आयन, 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 आयन से आयनक, आयन से औरत, आयन से इबादत, आयन से आयनक, आयन से औरत, आयन से इबादत, फिर एक बार पढ़ेंगे बच्चों। आयन से आयनक, आयन से औरत, आयन से इबादत। आयन को लिखने का तरीका देखो बच्चों, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पर रुककर फिर इस तरीके से अंदर की जानिब इसको गोल तरीके से इस तरीके से घुमाएंगे, ठीक है।
तो अब इसकी मशक हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर आकर रुकेंगे, ठीक है, यहाँ पर आकर रुककर इस तरीके से अंदर की जानिब बढ़ेंगे। ये बन गया आइन, तो ये होमवर्क में लिखना है ये पेज आपको, और ये वाला पेज आपको क्लास वर्क में लिखना है, ठीक है। नीट हैंड राइटिंग से अपना वर्क कीजिए। अल्लाह हाफिज़।